जब सागर का जल वाष्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाई नहीं देता, मेघ उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं, लंबी यात्रा करते हैं, प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे, परंतु जब वायु का वेग उन्हें उड़ाकर किसी पर्वत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेघों को बरसना ही पड़ता है, क्योंकि यही नियति है, यही प्रकृति है, क्योंकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है। ठीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम सत्य को अपने मन के मेघों में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें, परंतु समय की आंधी उसे वास्तविकता के पर्वत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है, जिस भय के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहते। एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं, क्योंकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होती। इसलिए सत्य से भागे नहीं, उसे छिपाए भी नहीं, उसे स्वीकार करें, भविष्य की बड़ी विपत्ति से बच जाएंगे। स्मरण रखना मित्र, मुझे मेरे अनुजों की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। वो कुंती पुत्र धनुर्धर आज युद्ध भूमि से जीवित नहीं वापस लौटना चाहिए। आज के पश्चात इस संसार में दो नहीं केवल एक महाधनुर्धर जीवित रहना चाहिए, और वो कर्ण होगा। मैं वचन देता हूं कि आज कुंती पुत्र धनुर्धर का वध होगा। अपना स्थान ग्रहण कीजिए मद्रराज। मैं आपको आपके उचित स्थान पर ले जाने के लिए सजू महारथी। बताइए अंगराज, इसो ले चलो। एक और गीत प्रतीक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर भूखे सियार। बताइए किस दिशा से आपकी मृत्यु पुकार रही है अंगराज, बताइए। मुझे वहां ले चलो सारथी, जहां अर्जुन का गांडीव तनकार है। चलो सारथी। युद्ध भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है पार्थ, अपना स्थान ग्रहण करो। अपनी प्रत्यंचा ठीक से जांच लो पार्थ, आज का युद्ध अविस्मरणीय होने वाला है। पता नहीं क्यों माता, आज मेरा मन बहुत विचलित है, जैसे अभिमन्यु को खो देने के दिन था। मैं तुम्हारे इस व्याकुलता को समझ सकता हूं पार्थ, एक भाई की मृत्यु
दूसरे को सदैव पीड़ा देती है। कदाचित तुम दुशासन के वध को अब तक अपने मन से निकाल नहीं पाए, ना ही तुम उसे भूल पाए हो पार्थ। एक बात सदा स्मरण रखना पार्थ, ये महायुद्ध एक महायज्ञ है और इस यज्ञ में बहुत सी आहुतियां जानी शेष है, और आहुति डालते समय कभी कभी यज्ञ करने वालों की उंगलियां भी झुलस जाती है पार्थ। आज तुम सतर्क रहना, तुम्हारी एक चूक तुम्हें घुटने टेकने पर विवश कर सकती है पार्थ। जब तक आप मेरे साथ हैं माधव, मैं घुटने नहीं टेकूंगा। तो प्रयास करना पार्थ कि अपने इस मार्गदर्शक के बताए मार्ग से ना भटकना। आज तुम मुझे आज्ञा मत देना पार्थ, अपितु आज तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा माधव। युद्ध का 17वां दिन। न्यायानाम अधिकाराणाम। मैं राधे अंगराज कर्ण, सौरभ सेना का सर सेनापति, सीधे अर्जुन को द्वंद का आवाहन देता हूँ, का आवाहन देता हूँ। एक की वजह के लिए किसी एक को अवश्य पराजित होना होगा। युद्ध में किसी को जीवित रहने के लिए एक को मरना पड़ता है। किसके नाम का दिया जलाऊं? कैसी दुविधा ईश्वर। आज वजह किसी की भी हो, पराजित एक माता की होगी। मान कोई भी चुना है, छाती एक माँ की ही चलनी है। रक्त किसी का भी बह, अश्रु एक माँ के निकलेंगे। एक ईश्वर, कैसी परीक्षा है। विकोतर भीम अस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को द्वंद के लिए चुनौती देता हूं।
क्यों दुर्योधन अपने अनुजों से मिलना नहीं चाहोगे? आगे बढ़ो और युद्ध करो मुझसे। मेरी चिंता मत करना मित्र, इस द्रोण शिष्य को, ये बलराम शिष्य आज कड़ी मार मारेगा। तुम केवल अपना गंतव्य और मंतव्य पूर्ण करो और उसे याद रखो, और मैं इस भीम का गर्व तोड़ता हूं। जाओ मित्र। आगे बढ़ो मधुराज। पहली बार देख रहा हूं कोई अपनी मृत्यु को आलिंगन के लिए कितना सज्ज है। सावधान अंगराज, कहीं आपका गंतव्य आपकी मृत्यु में परिवर्तित ना हो जाए। उत्तर मिलेगा। आप दक्षिण दिशा की ओर मुख रख के खड़े हैं अंगराज। दक्षिण दिशा मृत्यु का सूचक होती है। अपनी जीभ पर नियंत्रण रखो मधुराज, और अपने अश्व की राह संभालो, अन्यथा अर्जुन के बाणों से मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। आश्चर्य मत करो पार्थ, अंगराज कर्ण ने जिस धनुष को थामा हुआ है वो भगवान परशुराम का विजय धनुष है। कर्ण के बाण पहने, कुछ धनुष की मार पहनी है, कुछ कर्ण की प्रतिज्ञाएं पहनी है पार्थ। यदि इस युद्ध में विजय पानी है पार्थ, तो अपने श्वेत को रक्त में मिलाकर संपूर्ण बल से प्रहार करो। आज मेरे भाणों को हो क्या गया है माता? लक्ष्य संधान बाण करते हैं पार्थ, किंतु लक्ष्य सिद्ध मन करता है। विचलित ना हो पार्थ, तुम युद्ध करो।
स्मरण है पार्थ? प्रस्थान करने से पूर्व मैंने क्या कहा था कि आज रथी को अपने सारथी के हर बात का पालन करना होगा। तो अपने सारथी की बात का पालन करने के लिए सज्ज रहो पार्थ। मैं सज्ज हूं माता। ये तो माधव का संकेत है सहदेव, वो हमें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। पीठ दिखाकर भाग रहे हो अर्जुन, कौन करा मुझसे? ये क्या है माधव? रथ मोड़िए, मुझे मुझे अपना धन पूर्ण करना है। ये क्या किया माधव ने? ये अवश्य कोई रणनीति है, उनका संकेत हमें समझना होगा। ज्येष्ठ कर्ण, जाओ आगे बढ़ो। वो अर्जुन तुम्हारे बाणों से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। इस भगोड़े अर्जुन को जाकर पकड़ो और मारो उसे। जाओ आगे बढ़ो मधुराज। सैनिकों सब कर्ण के साथ में जाएंगे, जाओ। अपनी मृत्यु का पीछा करना शुभ नहीं अंगराज। भागते कुकर का पीछा करने पर भी वो काटता है, और तुम जाते हो सिंह को ललका रहे हो। सारथी हो, अपने रथी के आदेश का पालन करो। इतनी भी क्या शीघ्रता है अंगराज, क्या हमें अपने साथ द्वंद का सम्मान नहीं दोगे? मार्ग से हटो नकुल सहदेव। नहीं अंगराज, अब मार्ग ही ऐसा है कि हमें मध्य में टकराना होगा। हमें हटाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। भीम, मैं अपने अनुजों की मृत्यु को भूला नहीं हूं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भीम, नहीं छोड़ूंगा। अंतिम अवसर देता हूं, मेरे मार्ग से हट जाओ। आज तुम मेरी आंखें सूची में नहीं हो, परंतु आज आप हमारी आखेट सूची में अंगराज। द्वंद स्वीकार करो।
अंगराज, मेरे भांजू से भय तो नहीं लग रहा तुम्हें? शीघ्रता करो, इनको अपने मार्ग से हटाओ और आगे बढ़ो। स्मरण रखो, आज उस कौनता धनुर्धर का वध करना है तुम्हें। जाओ। क्षमा कीजिए राजमाता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.